आवाज आ रही मेरी? अरे बताओ, आवाज आ रही तुम लोग को? अब लिख कह रहे हो यार, बोल के बताओ ना, सेटिंग गड़बड़ है क्या? फिर आ रही है, आ रही है ना? ठीक है ठीक है, चलो आ रही है सर। आज तो सवाल करना है, पहले सवाल लिखेंगे। ठीक है, एक मिनट को। वर्क पावर एनर्जी बता रहे थे ना तुम लोग को, ये चैप्टर खत्म हो गया था, बस प्रैक्टिस करना बाकी है क्वेश्चंस का। फिर आपकी आवाज आ रही है, फोटो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रही है फोटो? अरे आएगी, वीडियो आएगी। अभी लिखो, पहले सवाल लिखो, वीडियो आएगी। लास्ट सवाल हम कौन सा कराए थे, बोल पाओगे तुम लोग? लास्ट सवाल कौन सा था? बोलो ना बाबू लोग, स्टेटमेंट बताओ ना सवाल का। नहीं आ रहे। क्या नहीं आ रहा है? अरे वीडियो नहीं आएगा, अभी आएगा, 2 मिनट पहले सवाल लिखा देते हैं, उसके बाद वीडियो आएगा। अभी थोड़ा इंटरनेट का कनेक्शन खराब है, 2 मिनट यस सर। रुको। बताओ अभी सवाल कौन सा करे, लिखो सवाल लिखो तुम लोग। फाइंड, सॉरी, 500 वाट बल्ब, सवाल लिख लो पहले, उसके बाद वीडियो कनेक्ट हो रहा है। 500 वाट बल्ब आर यूज्ड, 500 वाट बल्ब आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे, फॉर 10 आवर्स एवरी डे। फॉर 30 डेज, 500। आप क्या बोल रहे हो? अरे हम दिखाएं? तुम लोग क्या यार, एकदम जिद्दी किस्म के आदमी हो यार। पहले हम बोल रहे हैं ये सवाल लिख लो, उसके बाद हम कर रहे हैं कनेक्शन उसका। बोलो 500 वाट बल्ब, 500 वाट बल्ब आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स एवरी डे, 10 आवर्स एवरी डे फॉर 30 डेज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द रेट इज रुपीज 4 पर यूनिट। तुम लोग इस सवाल को करो, हम जब तक वीडियो का कनेक्शन कर रहे हैं। फ्लैक्स। ठीक है, देखते हैं, अभी पता नहीं हम कौन से। सर पर यूनिट पर वॉट हुआ। नहीं, वो होता है किलोवाट आवर को एक यूनिट बोलते हैं। सर 600 रुपीज आ रहे हैं। देखते हैं, सर 600 रुपीज। तुम लोग का कोचिंग कब से खुल रहा है? हम बता नहीं रहे कब से ऑफलाइन क्लास होगा भाई तुम लोग का। क्या बोल रहे हैं? सर 15th of October
मोस्ट प्रोबेबली कितना सर 15th ऑफ अक्टूबर 15 तारीख 15 तारीख ठीक है 15 तारीख से मिलेंगे हम लोग चलो ठीक है 15 तारीख से सर कल है 15 तारीख कल भी कुप कल 14 तारीख कल 14 चलो खैर तुम लोग आओगे पढ़ने ऑफलाइन आएंगे सर आओगे चलो ठीक है क्या बोल रहे हो सर वैंस सर जो व्हीकल जाने हैं हमको लेने अब ये पता नहीं यार हमको तो हम कोचिंग तो गए नहीं है तो हम तो यही है अपने घर पे ही है ठीक है चलो ठीक है मिलेंगे हम लोग फिर आज सवाल कर लेते हैं ऑफलाइन सही लगता है लास्ट क्लास होगा फिर ऑनलाइन का लास्ट क्लास होगा ये चलो मिलेंगे तो अच्छे से बातचीत होगी और थोड़ा अच्छे से जानेंगे हम भी तुम लोग को आज तक नहीं देखे हैं तुम लोग तो थोड़ा बहुत देखे भी हो हम तो देखे नहीं तुम लोग एक दो बच्चा को जानते हैं एक दो बच्चा आया था हमसे पूछने के लिए चलो खैर मिलेंगे हम लोग 16 तारीख या 17 तारीख जब भी हो चलो लिखो सवाल लिखेंगे सवाल जो है लिख लिए हो तुम लोग हम बताते हैं तुम लोग को सवाल ठीक है बाबू लोग देखो यहाँ सवाल है 500 वाट क्या लिखे हो देखो ये सवाल ऐसा है यार पांच बल्ब है ठीक है जो 100 वाट का है कितना है 100 वाट और ये 100 वाट ऐसा सवाल है ठीक है मेरे स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ हो गया होगा बोलने में एक्चुअल में लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसे इसीलिए ये गलती हो गई होगी पर तुम लोग ये समझना 500 वाट बल्ब ठीक है 500 वाट बल्ब मतलब कि पांच बल्ब है जो कितने वाट का है हर एक बल्ब कितने वाट का है 100 वाट का है ठीक है आर यूज्ड फॉर 10 आवर्स 10 घंटे तक यूज होता है कितना समय कितना लग रहा है इसमें 10 आवर तक यूज होता है ठीक है ईच डे यूज होता है ठीक है और ये कितना दिन तक यूज होता है 30 दिन तक यूज होता होगा ऐसा सवाल होगा फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द यूज फॉर 30 डेज ठीक है फाइंड द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इफ द रेट इज 4 रुपीज पर यूनिट देखो एक यूनिट का कितना रुपया दिया है तुम लोग को 4 रुपया दिया हुआ है कॉस्ट है ये क्या है बाबू लोग कॉस्ट है ठीक है क्या है ये कॉस्ट है क्लियर है इतना सवाल बताओ yes, ठीक है yes. चलो अब हम तुम लोग को एक और चीज बताते हैं देखो ये जो यूनिट है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है देखो याद करो हम किलो वाट आवर बताए होंगे 1 किलो वाट आवर को ही यूनिट बोलते हैं 1 यूनिट बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको 1 यूनिट बोलते हैं 1 किलो वाट आवर को क्या बोलते हैं बाबू लोग 1 यूनिट बोलते हैं समझ में आया ये बात अरे बोलो जल्दी से ठीक है चलो यहाँ तक क्लियर है हाँ बोलो बोलो भाई किसी को कोई दिक्कत है 1 किलो वाट आवर बराबर 1 यूनिट ठीक है अब चलो यहाँ पे ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है अब कॉस्ट हमको निकालना है 30 दिन में कितना रुपया लगेगा क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है तुम सुनो सबको सुनने दो मत बोलो होते हैं। क्या क्या बोले फिर से बोलो सर 1 किलोवाट में और कितने वाट होते हैं 1 किलोवाट में 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है 1 किलोवाट बराबर 10^3 वाट किलो लगा हुआ है ना तो 10^3 मेगा लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे 10^5 ये बताए थे होंगे पिछले क्लास में जब भी हम बताए होंगे ये बताए होंगे पावर के बारे में ये सब बताए होंगे ठीक है तुम लोग भूल जाते हो चलो खैर तो ये इतना सीन है ठीक है आप पहले ये बता लगाते हैं कि एक दिन में कितना एनर्जी ये यूज करता है ठीक है कितना यूनिट यूज करता है एक दिन में ठीक है तो एक दिन में 5 घंटा तक कौन कौन बल्ब जलता है ये सारा बल्ब जलता है
सौ वाट का पांच बल्ब जलता है कितना घंटा चलता है, दस घंटा चलता है, ठीक है, दस घंटा चलता है। यानी कि ये देखो एक बल्ब दस घंटा चलेगा, ये बल्ब भी दस घंटा चलेगा, ये बल्ब भी दस घंटा चलेगा, ये बल्ब भी दस घंटा, ये बल्ब भी दस घंटा, ठीक है। यानी कि अगर तुम टोटल जोड़ो, जैसे कि ये 100 वाट, ये 100 वाट, ये 100 वाट, ये 100 वाट, तो पांच बल्ब मान लो, पांच बल्ब, इन पांचों बल्ब के को हटा करके अगर एक बल्ब लगाएंगे, एक बल्ब लगाएंगे, तो ये बल्ब कितना वाट का होना चाहिए मेरे भाई लोग? 500 वाट का होना चाहिए। कितना वाट का होना चाहिए? 500 वाट का होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, अब देखो यहाँ पे पांच 500 वाट का बल्ब कितना घंटा अब जल रहा है? 10 घंटा जल रहा है, ठीक है। तो ये देखो कितना एनर्जी ये करेगा, मतलब कि कितना एनर्जी ये देगा, ठीक है। मतलब देखो ये 500 वाट का क्या मतलब है, एक सेकंड में कितना एनर्जी दे रहा है? 500 जूल एनर्जी दे रहा है, यही मतलब है ना। क्योंकि वाट का क्या मतलब होता है, वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में कितना एनर्जी दे रहा है? 500 जूल एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो 10 घंटा में कितना देगा, ठीक है, 10 घंटा में कितना देगा? तो इसको तो तुम अगर कैलकुलेट करना चाहोगे तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। पर देखो इसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये बल्ब एक सेकंड में कितना एनर्जी दे रहा है, 500 जूल, और इसको लिखे 500 वाट, ठीक है। तो 10 घंटा में कितना एनर्जी देगा, 10 आवर में, ठीक है, 10 आवर में कितना एनर्जी देगा, ये हम ऐसे लिख रहे हैं। देखो 500 × 10 वॉट आवर, वॉट आवर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं 500 × 10 वॉट आवर। ये क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है, क्योंकि आवर को फिर हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, और वाट क्या है, जूल पर सेकंड होता है, तो सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। नहीं यार, आप पिछले क्लास में सब किए थे ना यार, तुम लोग भूल गए क्या, पावर जब पढ़ाए थे हम? No, sir. 3.6 × 10⁶ जूल है अभी ना? कुछ कर, हाँ हाँ, 1 किलो वाट आवर होता है ना, वो 1 किलो वाट आवर, अभी हम किलो वाट में नहीं आए, अभी वाट आवर है। तो देखो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 5000 वाट आवर, ये लिख सकते हैं। अब इसमें अगर मान लो 1000 से डिवाइड दे देंगे, ठीक है, क्यों दे रहे हैं, इसको किलो वाट आवर में कन्वर्ट करना है, तो 5 किलो वाट आवर हो जाएगा। बोलो 1000 से डिवाइड देने से कितना हो जाएगा, किलो वाट आवर में कन्वर्ट हो जाएगा ना। अरे 1 किलो वाट, यस सर, यस सर, किलो वाट और वाट में यही डिफरेंस है ना, ठीक है। हमने सिर्फ वाट को, ये वाट को किस में कन्वर्ट कर दिया है, किलो वाट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, आवर को आवर रहने दिया है। इससे क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ, 1 किलो वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, यानी कि ये किलो वाट आवर को हम लोग क्या बोलेंगे, 5 यूनिट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, 5 यूनिट बोल देंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितना यूनिट यूज हो रहा है, 5 यूनिट यूज हो रहा है। एक दिन में कितना यूनिट यूज हो रहा है मेरे भाई लोग, 10 घंटा तक चल रहा है ना, तो कितना यूनिट यूज हो रहा है, 5 यूनिट। तो 30 में कितना यूनिट होगा, 30 × 5, ठीक है, तो 150 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। 30 दिन में कितना यूनिट होगा, 30 × 5, 150 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, 150 यूनिट हो जाएगा। और एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, 4 रुपया, तो 150 × 4 कर देंगे, ठीक है, 600 रुपया आ जाएगा, 600 आ जाएगा, 600, ठीक है, क्लियर है। बहुत बड़ा सवाल था, पर समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया ना समझ में, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, सब लोग कॉपी कर लो भाई, ठीक है। अभी तो कुछ पता नहीं चलता है, क्लास आओगे तो पता चलेगा कौन समझता है कौन नहीं। अभी तो ऐसा लगता है कि सभी समझ रहा है, कुछ लोग तो हम देखेंगे, नोट्स भी देखेंगे तुम लोग का, तुम लोग जितना बेईमानी किए हो ना, सारा पता चलेगा, देखते हैं कौन कौन लिख के रखा है कि नहीं लिखा है। स्कूल खुल गया तुम लोग का? नो सर, नहीं सर, सर अभी 31st तक सर पक्का है कोई स्कूल नहीं खुलेगा, लेकिन सर 15 तक कोचिंग और इंस्टीट्यूशन खुल जाएंगे सर।
कोचिंग की तरफ से मैसेज आ गया आने के लिए तुम लोग का? नहीं सर नहीं आया। तुम लोग खुद से बोलो 15 तारीख से खुल रहा है। सर न्यूज़पेपर में भी आया था सर। अरे न्यूज़पेपर नहीं, कोचिंग से मैसेज आया। तुम्हारा कोचिंग खुलेगा तब ना यार। न्यूज़पेपर से क्या, न्यूज़पेपर लेके आ जाओगे कोचिंग? नहीं आया। नहीं आया ना, ठीक है। अब आएगा तभी तुम लोग। कुछ नहीं आ रहा, तुम हारमोनियम बजा रहे। चलो दूसरा सवाल लिखो। देखो चलो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग। देखो नेक्स्ट सवाल, How much time will it take to perform 440 joule of work at a rate of 11 watt. How much time will it take to perform 440 joule of work at a rate of 11 watt? At a rate of 11 watt. सर 40 सेकेंड्स। सर 40 सेकेंड्स। देखते हैं देखते हैं। और एक लड़का कौन था, वंश शर्मा? वंश शर्मा तुम्हारे बैच में है जो इंग्लिश का थोड़ा ज्ञानी आदमी है? नहीं पता नहीं कौन सा बैच का था। चलो तुम मत बोलो, तुम बोलता हारमोनियम बज जाता है। इंटरनेट कनेक्शन वाईफाई ले लो, 500 रुपया मंथली में पड़ रहा है। देखो यहाँ, ए मैन डज 200 joule ऑफ वर्क इन 10। अच्छा रुको, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू परफॉर्म 440 joule ऑफ वर्क? 440 joule ऑफ वर्क, ये क्या दिया तुमको? W का वैल्यू दिया, ठीक है। और बोला है एट ए रेट ऑफ 11 वॉट, मतलब पावर दिया है। कितना दिया है? 11 वॉट पावर दिया है। तुमसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। तो पावर बराबर क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो पावर का वैल्यू कितना लिखेंगे? 11। वर्क डन कितना हो जाएगा? 440। और टाइम कितना है ये पता करना है। तो टी बराबर कितना हो जाएगा? 440 डिवाइडेड बाई पावर, ये 11 है, तो ये कितना हो जाएगा? 40। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 आवर लिख देंगे, मिनट लिख देंगे, सेकंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे बोलो? क्या लिखेंगे? टाइम। देखो यहाँ ये क्या है, ये वाट है। वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो तुम जूल और यहाँ पे क्या लिख दो? सेकंड, ठीक है। और वर्क डन किस में है? जूल में है। तो ये जूल, यहाँ पे तुम जूल लिखोगे, जूल से जूल कट जाएगा, आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा, ठीक है। किस में आएगा आंसर मेरे बाबू लोग? सेकंड में आएगा, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 40 सेकंड। 40 सेकंड, क्लियर है बात? बोलो जल्दी से। यस सर क्लियर है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग। लिखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट कैपिटल एच। A ball is dropped. Sir, एक बार रिपीट करो। A ball is dropped. A ball is dropped from a height capital H. From a height capital H.
when it reaches the ground, when it reaches the ground, when it reaches the ground, its velocity is 40 meters per second. Its velocity is 40 meters per second. Find the height capital H. देखो हम बताते हैं तुम लोग, लिखा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट कैपिटल एच. एक बॉल है, मान लो ये ग्राउंड है और सर 80 मीटर है आंसर. देखते हैं बालक, अब तो देखे नहीं. ये मान लो मास दिया हुआ है क्या? सर नहीं दिया मास. वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकंड. अच्छा ठीक है, ये जब ग्राउंड में इंटर मतलब जस्ट टच करता है इस समय इसका वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड है. ठीक है, और तुमसे क्या पूछा है? ये हाइट एच निकालने के लिए. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे जैसे तुम बॉल को लेके गए, तो यहाँ पे जब तुम h हाइट पे लेके गए, मान लो ये बॉल का मास m है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे वो क्या होगा? mgh होगा. पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ना mgh. ठीक है, और यहाँ पे इसके पास क्या है? वेलोसिटी है. इस वेलोसिटी की वजह से यहाँ पे इसके पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और वो क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है, अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी आया है वो कैसे आया है? इसका जैसे जैसे हाइट कम हो रहा है, जैसे मान लो एम जी एच में एच जैसे जैसे डिक्रीज होगा, एच जैसे जैसे कम होगा, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. होगा या नहीं होगा? अरे बताओ ना यार, पी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है ना एम जी इंटू एच. अगर एच कम होगा, एच धीरे धीरे कम होगा, एच कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से. कहाँ से लेते हैं मित्र? ग्राउंड से. एच कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम ग्राउंड. ये याद रखेंगे आप, फ्रॉम ग्राउंड. तो ग्राउंड से हाइट जैसे जैसे मान लो ये नीचे आ रहा है, वैसे वैसे ग्राउंड से हाइट कम होगा. अगर ग्राउंड से हाइट कम होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे क्या होगा? कम होगा. धीरे धीरे क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कम होगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिखा है mgh, तो h कम हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है. पर ये तुम लोग को पता है एनर्जी को क्या कर सकते हैं? ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. तो एनर्जी किस में जाएगा? ये एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी जो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसके वजह से जो ये कम हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होते जा रहा है. और काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है. और काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. अगर वेलोसिटी धीरे धीरे नीचे आने पे बढ़ेगा, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा. नहीं मान रहे हो? अरे बताओ जल्दी से. yes, ये बात sir. समझ में आया या नहीं आया? yes, सवाल भी तो अभी हम कर देंगे चुटकी में, पर जो बात हम बता रहे हैं वो समझ में आ रहा है? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा,
हमको क्या समझ में आया, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट कोई ऊपर से नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और काइनेटिक एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, समझ में आया। और तुमको हम ये भी बता रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कहीं से ऐसा तो नहीं अचानक से आ जाएगा। ठीक है, एनर्जी क्या हो रहा है, जो इसके पास एनर्जी था वही दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। पहले इसके पास कौन सा एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, जैसे तुमने इसको ड्रॉप किया धीरे धीरे इसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है और काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब आ जाएगा तो देखो इसका एच क्या हो जाएगा, एकदम अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा। तो इसके पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी था इस प्लेस में, जो पोटेंशियल एनर्जी था वही किसमें कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, जब ये टकराने वाला था जस्ट पहले, टकराने के पहले। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर तुम क्या लिख दोगे, काइनेटिक एनर्जी लिख दोगे। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू जी इंटू कैपिटल एच लिख दो, और काइनेटिक एनर्जी क्या लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर, एम से ये एम कट गया और जी का वैल्यू 10 ले लो, एच तुमको पता करना है हाफ, और वेलोसिटी कितना है 40 इंटू 40, एक बार जीरो ये कट गया दो, यानी एच कितना आ गया 80 मीटर आ गया। ठीक है, बताओ इतना समझ में आया या नहीं आया, बोलो बच्चों लोग, आ गया ना ये बात। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग कि एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। मैंने पहले टाइम निकाल के निकाला। अच्छा कोई बात नहीं, उतना मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर है, बताओ भाई नेक्स्ट सवाल करो, चलो कॉपी कर लो सब लोग और नेक्स्ट सवाल करेंगे। तुम लोग का कोर्स तो बहुत फास्ट चल रहा है, अभी तो बहुत समय है, अक्टूबर ही है ये, नवंबर दिसंबर जनवरी तक तो खैर सब लोग रहेंगे, जनवरी फरवरी तक मान के रहो, और भी मात्र कितना चैप्टर बचा है, 2 चैप्टर बचा है, ग्रेविटेशन और साउंड। कॉपी कर लिए सब लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, ये कुछ लोग भाग जाते हैं, उन लोगों को भी देखते हैं आजकल, आज देखते हैं लास्ट में कौन भाग जाता है, तो उन लोगों को पकड़ेंगे क्लास में, तो भाग जाता है। लिखो सवाल लिखो, ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg स्लाइड्स ऑन ए रफ सरफेस एट टी इक्वल टू जीरो Its speed is 2 meter per second. At t equal to 0, its speed is 2 meter per second. It stops after covering a distance of 20 centimeter लिखो, 20 meter. It stops after covering a distance of 20 meter because of the friction exerted by the surface on it. Find the work done by the friction.
फाइंड द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन. हुआ तुम लोग से, किसी से नहीं हुआ सवाल? हम बताते हैं देखो. सर -4 जूल है क्या? हाँ आंसर तो तुम्हारा सही आ रहा है बाबा. चलो देखो तुम सवाल पढ़ते हैं. ये ब्लॉक ऑफ मास 2 kg, एक ब्लॉक है जिसका मास है 2 kg. ठीक है, ये 2 kg का ब्लॉक है. ठीक है. Slides on a rough surface at t equal to 0, its speed is 2 meter per second. यानी t equal to 0 यहाँ पे initial में इसका speed कितना है? 2 meter per second. और कुछ दूर बाद जाके वो रुक जाता है क्योंकि friction है. ठीक है, कितना meter चलता है? 20 meter. ठीक है, कितना meter चलता है ये? 20 meter ये चलता है. ठीक है, और 20 मीटर दूरी पे जाके क्या कर जाता है? रुक जाता है. ठीक है, तो बोल रहा है कि फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन. ठीक है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन. अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट इधर चलेगा तो बताओ फ्रिक्शन किधर लगेगा? इस साइड लगेगा. अपोजिट साइड में क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा. बताओ जल्दी से, बोलो मान रहे या नहीं मान रहे ये बात? ठीक है, फ्रिक्शन जो है क्या है? पीछे की तरफ लगेगा. ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स तुमको निकालना है, वर्क डन निकालना है. वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो क्या करना होगा? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा. ये जानते हैं ना, एफ एस कॉस थीटा, यही तो है. और जिसके वजह से वर्क डन निकालना है वो फोर्स को लिखो. अभी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से निकालना है, इसलिए हमने क्या लिखा? फ्रिक्शन फोर्स लिखा. बताओ समझ में आ रहा है? तो फ्रिक्शन फोर्स निकालने के लिए हम बताए थे तुम लोग को या नहीं बताए थे? बोलो, कभी बताए थे म्यू इंटू एन होता है? ये बताए थे? नहीं सर, नहीं बताए हैं. अच्छा चलो, तब ठीक है. चलो ठीक है, तब ऐसा चलो ठीक है. जब तुम लोग को नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं जानने का जरूरत नहीं है. तब 9th लेवल में हमको पता नहीं. 9th में सर मैंने काइनेटिक एनर्जी से किया ये.
हाँ ठीक है, दूसरे तरीके से होगा, कोई बात नहीं। फ्रिक्शन फोर्स से तुम लोग को नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे लेवल का नहीं होगा ये इस तरह से। तो देखो यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं पता है हमको, ठीक है, और निकालने भी नहीं पता है, तो कोई बात नहीं। फिर और दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये हम लोग को पता है एनर्जी जो है वो क्या है, हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है। तो जैसे ये जाके दूर में रुक गया, ठीक है, तो ये रुका क्यों, क्योंकि ये सरफेस पे क्या था, फ्रिक्शन था, ठीक है। फ्रिक्शन क्या किया, इसको हल्का हल्का मतलब कि घसीट रहा था इधर, मतलब फोर्स लगा रहा था, लगा रहा था, लगा रहा था, और दूर जाके क्या हो गया, कुछ देर बाद जाके क्या हो गया, रुक गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जितना इसके पास एनर्जी था, ठीक है, इसके पास यहाँ पे एनर्जी कितना था, यहाँ पे जब टी इक्वल टू जीरो था तो इसके पास एनर्जी कितना था, इसके पास ये मूव कर रहा था, तो कौन सा एनर्जी था मेरे भाई लोग, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू मास कितना है, दो, और वेलोसिटी कितना है, दो का स्क्वायर, तो ये दो से दो कट गया, यानी कि 4 जूल इसके पास क्या था, एनर्जी था, ठीक है। इसके पास एनर्जी कितना था, काइनेटिक एनर्जी कितना था मेरे भाई लोग, 4 जूल था, ठीक है। अब एक बात बताओ कि कुछ दूर बाद जा करके, 20 मीटर हो, 100 मीटर हो, या कितने भी दूर जा करके ये ऑब्जेक्ट रुक गया है, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए, जैसे मान लो ये स्प्रिंग है, ठीक है, ये स्प्रिंग है और ये मास एम है, ठीक है, और इसको ये इसका नेचुरल लेंथ, मतलब कि अभी ना ही इसमें कंप्रेशन हुआ है ना ही एक्सपेंशन हुआ है, ठीक है, नेचुरल लेंथ में है, ठीक है। और स्प्रिंग को हम यहाँ पीछे लेके आगे यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है, इसको ऐसे घसीट के लाए हैं, ठीक है, और जब हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तब ये दूर जाएगा, दूर जाएगा ना, अरे बोलो दूर जाएगा या यस नहीं सर, यस जाएगा, सर, ठीक तो जाएगा। है, दूर जाएगा। अब अगर मान लो ये दूर जाएगा और हम चाहते हैं इसको यहीं रोक देंगे, यहाँ पे रोक देने के लिए हम चाहेंगे, तो हमको फोर्स लगाना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा, ठीक है। और अगर मान लो इसके पास जितना एनर्जी होगा, हमको उतना ही एनर्जी लगाना होगा, सिर्फ फोर्स लगाने से हो जाएगा क्या, अगर मान लो हम 1 न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो हो जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अगर मान लो ये बहुत ज्यादा ताकतवर होगा, तो जैसे मान लो कभी कभी होता है ना कि हम लोग इसको पीछे ऐसे पकड़ के रखे हैं और फिर भी पीछे घसकते जाते हैं, ऐसा होता है ना कि फोर्स, मान लो कोई चीज आ रहा है, हम उसको पकड़ के रखे हैं और धीरे धीरे वो घसीटा रहा है, घसीटा रहा है, पीछे जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, और कुछ देर बाद जाके वो ऑब्जेक्ट रुकता है। अरे मूवी वूवी में देखे हो गए ना यार, यस सर, देखे हो ना ऐसा, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए तुमको, अगर तुम मान लो बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तब तो यहीं रुक जाएगा, पर अगर मान लो तुम 2 न्यूटन 1 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, तो तुमको भी क्या होगा, थोड़ा सा पीछे घसकना होगा, मतलब तुमको पीछे क्या होगा, मतलब कि जाना होगा पीछे, हो सकता है तुमको घसीट दे, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट, ठीक। तो ये जो पीछे तुमको घसीट रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम वर्क कर रहे हो, क्योंकि फोर्स तुम इधर लगा रहे हो, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो रहा है, ठीक। तो तुमने क्या किया, वर्क किया, उसी तरह ये फ्रिक्शन है, ठीक है। जैसे मान लो फोर्स कैसे लगा रहा है, ये इधर लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी वर्क कर रहा है, पर ये कितना वर्क करेगा, इसको चाहिए कितना वर्क करना, मतलब अगर इसको ऑब्जेक्ट को रोकना है तो जितना इसके पास एनर्जी है इतना ही वर्क डन इसको करना पड़ेगा। देखो इतना सारा कहानी के सुनाने का यही मतलब है कि जितना इसके पास एनर्जी है, जैसे मान लो अभी इसके पास एनर्जी कितना है, 4 जूल, तो 4 जूल का वर्क किसको करना होगा, इसको रोकने के लिए करना पड़ेगा। अब तुम फ्रिक्शन करे या तुम खुद यहाँ पे रोकना चाहोगे, तो तुमको कितना वर्क करना होगा, 4 जूल का वर्क करना होगा तुमको, ठीक है। अगर फ्रिक्शन करेगा तो फ्रिक्शन को कितना करना पड़ेगा, 4 जूल का वर्क करना होगा। समझ में आ रहा है ये बात, यस ये सर, नहीं आ रहा है ये बात, सर आ रहा इतना है, यस उसके पास सर आ रहा है। एनर्जी है, ठीक है, तुमको रोकने के लिए उतना ही एनर्जी उसमें लगाना होगा, तभी जाके वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुकेगा। क्लियर है ये बात, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, यस सर, बोलो, ठीक है। यस तो सर, यही वो कहता है कि भाई ये जो है तुमको कितना एनर्जी लगाना होगा, 4 जूल का एनर्जी लगाना होगा, ठीक है। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन, क्या क्या बोल रहा है, सर मुझे नहीं समझ आया। नहीं समझ में आया। अच्छा देखो ये बोल रहे हैं कि जैसे ये मास एम है ना बाबू, इसके पास अगर 4 जूल एनर्जी है, ठीक है,
और अगर तुमको कोई भी ऑब्जेक्ट को जैसे रोकना है, ठीक है, तो तुमको उतना ही एनर्जी लगाना होगा रोकने के लिए। बस इतना बात समझ में आया या नहीं आया? छोटा सा बात समझ में आया? जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारे तरफ बढ़ रहा है, कोई मान लो पत्थर है, कुछ भी है, ठीक है, वो बढ़ रहा है तुम्हारे तरफ, और उसके पास मान लो 100 जूल एनर्जी है, तो तुमको कितना एनर्जी लगाना होगा उसको रोकने के लिए? 100 जूल एनर्जी लगाना होगा भाई, तभी वो पत्थर रुकेगा या जो भी चीज है वो रुकेगा। समझ में आ रहा है ये बात अब कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो, इसमें कौन सा बड़ा बात है समझने के लिए? सिंपल सब कहा बात है, फोर क्लास का बच्चा समझ जाएगा। क्या क्या बोलता है? फिर गायब हो जाता है ये लड़का। क्या हो रहा है बार बार? वो तुम्हारा नेट का इशू है, यहाँ पे नेट सही है, नेट सही है ना बालक लोग? किसी को और को दिक्कत तो नहीं है? बोलो। अरे बताओ, किसी और को दिक्कत है क्या? नहीं है ना, उसी को दिक्कत है। देखो यहाँ, अब देखो यहाँ पे ये तो समझ में आ गया, 4 जूल लगेगा। अब सवाल है कि -4 जूल आंसर क्यों है, ठीक है, ये भी हम बता देते हैं। देखो तुम जो फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल रहे थे, तो फ्रिक्शन फोर्स ले रहे थे, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा था, और इन दोनों में एंगल कितना था? 180 डिग्री। ये कॉस थीटा कितना था? कॉस 180 डिग्री। और कॉस 180 डिग्री क्या होता है बाबू? -1 होता है ना? क्या होता है? -1 होता है ना? अरे बोलो, नहीं होता है -1 सर? होता है सर। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम वर्क कर रहे हो, जैसे इसके पास जो एनर्जी था या ये जो वर्क कर रहा था वो किधर था? इधर था, और तुम इसको रोकने के लिए किधर वर्क किया? अपोजिट डायरेक्शन में। और डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है? इस डायरेक्शन में। इसीलिए यहाँ पे क्या लगाना तुम? वर्क डन बाई फ्रिक्शन में क्या लगाना तुम मेरे भाई लोग? माइनस लगा देना। क्या लगाना? माइनस। और ये इसके पास एनर्जी कितना था? काइनेटिक एनर्जी कितना था? इसके पास टोटल एनर्जी कितना तक है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मास से 2 का स्क्वायर, ये 4 जूल था, ठीक है, तो 4 जूल यहाँ पे लिखेंगे और माइनस लगा देंगे, यानी -4 जूल। दोनों बात क्लियर है, साइन और वैल्यू, या दिक्कत है तुमको बताओ? तो क्लियर है, क्लियर है ना यहाँ तक? चलो ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। अरे कौन बोल रहा है बीच बीच में? ये नहीं समझ में आया और भाग जा रहा है बीच में बाबू। बहुत सिंपल बात है, तुम्हें एक बार ही बता दो सर। अच्छा सुनो, देखो सुनो, यहाँ बता रहे हैं। देखो बाबू, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा दुनिया में, और उसके पास जितना भी टोटल एनर्जी होगा, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है उसके पास 100 जूल एनर्जी है, ठीक है, ये मान लो कोई ये ऑब्जेक्ट ऐसे रोल करके आ रहा है तुम्हारे पास, ऐसे बढ़ते जा रहा है, ठीक है, और इसके पास 100 जूल एनर्जी है। कितना एनर्जी है? 100 जूल। तो तुमको इसको रोकना है तो कितना एनर्जी लगाना होगा? 100 जूल एनर्जी लगाना होगा, ठीक है, बस हम इतना बोल रहे हैं। तो इसके पास हम लोग एनर्जी निकाले, कैसे निकाले? हाफ एम वी स्क्वायर करके निकाले, ठीक है, मूव कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी था, हाफ एम वी स्क्वायर करके निकाले, तो ये कितना था? 4 जूल हम लोग को पता चला इसके पास एनर्जी था। तो इसको रोकने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी लगाना होगा? 4 जूल अपोजिट डायरेक्शन में लगाना होगा, तभी वो रुकेगा, बस इतना सा बात है और कुछ नहीं। चलो नेक्स्ट सवाल लिखेंगे आप लोग। आ गया ना समझ में? ये अभी भी क्या? ठीक है ठीक है, लिखो सवाल, लिखो। ए 20 kg ball A 20 kg ball is thrown up अच्छा चलो ये वाला सवाल चलो लिख लो, ये वाला सवाल करवाया हुआ है तुम लोग को, ये सवाल करवाया हुआ है। नेक्स्ट सवाल लिखो, इसको काट दो तुम लोग, नेक्स्ट सवाल लिखो। ए बॉय ए ऑफ मास 3 kg, A boy A, सवाल लिखेंगे, A boy A of mass 3 kg
a boy A of mass 3 kg and a boy B of mass 10 kg बॉय की जगह बॉडी लिख लेना, हम भी सोच रहे थे बच्चा को क्यों फेंक रहा है। ए बॉडी ए ऑफ मास 3 केजी एंड ए बॉडी ऑफ बॉडी बी ऑफ मास 10 केजी। अ बॉडी ए ऑफ मास 3 केजी एंड ए बॉडी बी ऑफ मास 10 केजी आर ड्रॉप्ड साइमल्टेनियसली, आर ड्रॉप्ड simultaneously from a height of 14.9 meter calculate ए पार्ट में लिखो, कैलकुलेट में देयर मोमेंटम बी में लिखो देयर पोटेंशियल एनर्जीज सर हाइट कितनी, सी में लिखो देयर काइनेटिक एनर्जीज ठीक है लिखो when they are मतलब ये तीनों के लिए है when they are 10 meter above the ground वेलोसिटी नहीं दी कुछ नहीं दिया। देखो यहाँ बॉडी ए है और यहाँ बॉडी बी है, ठीक है, दोनों सेम हाइट पे, हाइट कितना है बताओ, 14.9 ये मान लो ग्राउंड है तुम्हारा, फोर्टीन पॉइंट नाइन मीटर ये ग्राउंड है और कैलकुलेट देयर मोमेंटम और सारा कुछ दिया है व्हेन दे आर 10 meter अबव द ग्राउंड, मतलब यहाँ से कितना मीटर है, मान लो ये 10 meter है ग्राउंड से, 10 meter थोड़ा ऊपर होगा ऐसा मान लो, यहाँ है ये 10 meter है हाइट, ठीक है, और जब ये लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए यहाँ आ जाएगा, ऑब्जेक्ट बी यहाँ आ जाएगा,
तब इसका सारा चीज निकाल के हमको बताना है, ठीक है? क्लियर है? अब एक बात बताओ, 10 मीटर ये हो गया, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया? 4.9 मीटर हो जाएगा। अरे यहाँ से यहाँ 10 है, टोटल 14.9 है, तो ये 4.9 हो जाएगा क्या? बताओ, ये डिस्टेंस हो जाएगा ना बाबू लोग 4.9 मीटर, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुमको यहाँ सुनो, देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर तुमको बोलेगा ऑब्जेक्ट ए का निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, तो क्या लिखेंगे? एम जी इंटू एच। मास कितना दिया हुआ है? मास दिया हुआ है 3 kg दिया है, यहाँ पे ये 3 kg दिया है, और ये कितना है? 10 kg। तो 3 kg और 3 × 10 इंटू एच। एच कहाँ से लेते हैं? ग्राउंड से या यहाँ से? बताओ, ग्राउंड से लेते हैं ना। दस हो गया, ये कितना हो गया? 300 joule हो गया। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए, ये हो गया। उसके बाद वो तुमसे क्या बोला है? मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी। देखो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी तभी पता चलेगा जब यहाँ पे तुमको क्या पता चलेगा? वेलोसिटी पता रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे वेलोसिटी पता करो, इसमें कौन सा बड़ा बात है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा नहीं पता, यहाँ पे वेलोसिटी 0 है और 2 × g का वैल्यू 10 ले लो, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? 4.9 हुआ है ना, तो ये ले लो, ठीक? तो इसको सॉल्व करो, ये कितना हो जाएगा? और फिर इसका रूट लेना होगा, ठीक है? तो वी स्क्वायर का ही जरूरत होगा तुमको और रूट का भी जरूरत होगा। तो वेलोसिटी आ गया। अब मोमेंटम अगर कोई पूछेगा, मोमेंटम, ठीक है, तो मोमेंटम को पी से दिखाते हैं। मोमेंटम ऑफ ए कितना हो जाएगा? एम इंटू वेलोसिटी। मास कितना है इसका? 3, और ये कितना आ गया? रूट अंडर 98, ठीक है? अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, करेगा 98 को सॉल्व? 7√82 हो जाएगा, 7√2 हो जाएगा, 21√2 kg/s, ठीक है? मोमेंटम का यूनिट, मास का यूनिट होता है kg/s, ठीक है? kg/s, ठीक? मोमेंटम ऑफ ए आ गया। अब तुमको काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पूछेगा तो क्या करेंगे? 1/2 × mass × velocity का स्क्वायर। ये तो 98 हो, तो ये हो जाएगा 1/2 × 3 × 98। इसको सॉल्व कर देंगे, 49 × 3 जो भी आएगा ये जूल में आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? बताओ कॉन्सेप्ट क्लियर है? यस सर। कि दिक्कत है किसी को? बताओ सर, क्लियर है? कॉपी करेंगे तुम आप लोग, ठीक है? हम देखते हैं कौन कौन भागा है। भागा तो आज कोई नहीं है, एक बढ़ ही गया है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, जल्दी मिलेंगे हम लोग ऑफलाइन क्लास में। चलो भाई, तुम लोग बी का वैसे सारा कुछ निकाल लोगे, ठीक है? निकाल लोगे ना बी का? हाँ भाई, चलो भाई।